हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोलोस्टोमी के बारे में। यह टॉपिक है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग, जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर हम सिर्फ कोलोस्टोमी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितने टाइप की कोलोस्टोमी होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर फॉर कोलोस्टोमी, इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ कोलन थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसके अंदर क्या है, कोलन के अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं, कहां से, एब्डोमिनल की जो वॉल होती है उसके थ्रू। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट ऑस्टोमी इज ए कोलोस्टोमी। परमानेंट ऑस्टोमी कौन सी होती है, कोलोस्टोमी परमानेंट होती है। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन यूज ऑफ टेम्परेरी ऑस्टोमी इज इलियोस्टोमी। जो इलियम जो पार्ट होता है उसके अंदर हम करेंगे तो उसको इलियोस्टोमी कहते हैं। तो ये हमारी दो टाइप की होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट, पर्पस, उद्देश्य क्या होता है इसका, एम्स क्या होता है, किस कंडीशन में हम या फिर किसके लिए हम कोलोस्टोमी करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ फ्लेटस एंड स्टूल्स, यानी कि स्टूल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कोलोस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन, किन कंडीशन में हम कोलोस्टोमी करते हैं। फर्स्ट वन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उस वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस कंडीशन में कोलोस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट, कोलन एंड रेक्टल कैंसर, कोलन और रेक्टल कैंसर के अंदर हम कोलोस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी, कितने टाइप की कोलोस्टोमी होती है। तो फर्स्ट वन है वेट कोलोस्टोमी, असेंडिंग कोलोस्टोमी बिकॉज इंसिजन विल बी डन इन असेंडिंग कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है असेंडिंग, ठीक है, उसके अंदर हम इंसिजन से कोलेस्टोमी करेंगे तो होती है हमारी वेट कोलेस्टोमी। इट इज अ टेम्परेरी कोलेस्टोमी, इसको टेम्परेरी कोलेस्टोमी भी कहते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है, 6 से 8 वीक, ठीक है। ये थी वेट कोलेस्टोमी, जिसका सेकेंड नाम है टेम्परेरी कोलेस्टोमी। नेक्स्ट है ड्राई कोलेस्टोमी, इन विच इंसिजन विल बी मेड इन द सिग्मोइड कोलोन। इसके अंदर इंसिजन कहां पे लगाते हैं, सिग्मोइड कोलोन के अंदर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड जो पार्ट होता है उसके अंदर हम इंसिजन लगाएंगे। इट इज अ परमानेंट कोलेस्टोमी, और ये परमानेंट कोलेस्टोमी होती है, यानी कि इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। तो ये थे हमारे दो टाइप्स, वेट कोलेस्टोमी और ड्राई कोलेस्टोमी। नेक्स्ट है डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर कोलेस्टोमी, कोलेस्टोमी के बाद पेशेंट को कौन सी डाइट देनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट 24 आवर्स आईवी थेरेपी, पहले 24 घंटे में हम उसको आईवी थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स हाई फाइबर्स डाइट, यानी कि 24 से 48 घंटे के बीच हम उसको हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर 72 आवर्स नॉर्मल डाइट, यानी कि 72 घंटे बाद हम इसको नॉर्मल डाइट देंगे। आफ्टर 72 आवर्स बोवेल साउंड एब्सेंट, 72 घंटे के बाद क्या है, जो बोवेल का जो साउंड होता है वो एब्सेंट हो जाता है। इट इज अबनॉर्मल सो ऑलवेजली चेक्ड, यानी कि ये कभी कभी अबनॉर्मल की कंडीशन भी होती है, इसलिए इसको चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मल बोवेल साउंड 60 to 20 मिनट्स, बोवेल साउंड शुड बी चेक्ड अप टू 5 मिनट, जिसको 5 मिनट तक चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, सेकेंड वन है परफोरेशन एंड ब्लीडिंग, ये इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये था कोलेस्टोमी के बारे में। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो इंसिजन लगा के हम कोलेस्टोमी करते हैं, जो स्टूल होता है उसको रिमूव करने के लिए। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कोलेस्टोमी क्या होता है, इसके पर्पस, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, टाइप्स और डाइट आफ्टर कोलेस्टोमी।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।